नमस्कार, जनक की दुकान में आपका स्वागत है। भाजपा की जीत के बाद रानीबाग वार्ड में कार्यकर्ताओं का किया गया स्वागत व सम्मान। एमसीडी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन के विधानसभा क्षेत्र शकुरबस्ती के तीनों निगम वार्डों में जीत हासिल कर आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ कर दिया है। इस जीत में भाजपा कार्यकर्ताओं ने अहम भूमिका का निर्वाह किया। इन्हीं सीटों में से एक है वार्ड नंबर 60 रानीबाग महिला। यहां से ज्योति अग्रवाल ने जीत का परचम लहराया है। नवनिर्वाचित पार्षद ज्योति अग्रवाल अत्यंत गदगद है और इस जीत का श्रेय भाजपा कार्यकर्ताओं को दिया है। कार्यकर्ताओं की लगन व मेहनत को सलाम करते हुए ज्योति अग्रवाल ने बुधवार को कार्यकर्ताओं का अभिनंदन व स्वागत किया। एपीजे स्कूल के सामने बत्रा टेंट में आयोजित कार्यकर्ता सम्मान समारोह में विख्यात भजन गायक श्री अजय याग्निक के मुखारविंद सुंदरकांड पाठ का श्रवण किया गया। इस अवसर पर नवनिर्वाचित पार्षद ज्योति अग्रवाल के साथ केंद्र में मंत्री संतोष गंगवार, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, श्याम जाजू, कथावाचक शशांक शेखर, नरेश ढल, पूर्व जिला अध्यक्ष रोशन कंसल, निगम पार्षद शिखा भारद्वाज, किशन बैमाड़ व अन्य नेताओं कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया गया। इस समारोह में जनमत की पुकार के मुख्य संपादक आर के जायसवाल जी ने नवनिर्वाचित पार्षद ज्योति अग्रवाल से खास बातचीत की है। देखिए पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार आर के जायसवाल के साथ। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से रानीबाग वार्ड से इनको चुनाव मैदान में भेजा ज्योति अग्रवाल जी को, और लोगों ने सर आंखों पे बिठाकर आपको चुनाव जिता दिया। आज आप कार्यकर्ताओं का अभिनंदन कर रही हैं, स्वागत कर रही हैं, काफ़ी लोग भारी संख्या में लोग पहुँचे हैं, क्या कहेंगी अब इस अवसर पर? ये तो आप देखते ही बनता है कि कार्यकर्ताओं को कितना खुशी है कि वो आज यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में एकत्रित हुए हैं। और मैं सभी अपने कार्यकर्ताओं का अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ कि वो मुझे यहाँ पर अपना आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। आपसे काफ़ी उम्मीदें बढ़ गई हैं रानीबाग वार्ड वाले उन लोगों के लिए। देखिए जायसवाल जी, जिस तरीके से रानीबाग की जनता ने मुझ में विश्वास दिखाया है, तो अब मेरा भी वो ऋण उतारने का जो है वो समय आ गया है। और मैं रानीबाग के एक एक सदस्य की मदद करूंगी, जो भी मेरे पास आएंगे मैं उनके पास भी जाऊंगी, और जैसा होगा मैं बिल्कुल रानीबाग की दशा को सुधारने में, रानीबाग को महारानीबाग बनाने में अपनी पूर्ण भूमिका लगाऊंगी। आप चुनाव के दौरान लगातार लोगों से वादा कर रही थी कि यहाँ की साफ सफाई बहुत बढ़िया करेंगी, पार्किंग की व्यवस्था कर देंगी, कब तक ये सब होगा? आने वाले थोड़े ही समय में आपको दिख जाएगा, आने वाले थोड़े ही समय में दिखेगा आपको यहाँ पर सफाइयाँ और नालों की व्यवस्था, पार्कों की व्यवस्था किस कदर से सही होती है, ये आने वाले वक्त में आपको बिल्कुल अच्छे से दिख जाएगा। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।